हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सही है, चंगा। ओके, तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। रिक्वेस्ट करी हुई थी कुछ लोगों से कि प्लीज डोंट गिव CSIR और एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मोर देन 2 टाइम्स। मैंने 2 बार का लिया, चलो 2 बार चलता है, 2 से ज्यादा बार मत दो। लेकिन मैंने रिसेंटली अभी जो CSIR एग्जाम हुआ उसमें भी देखा, कई सारे लोग जो है वो मल्टीपल टाइम्स, मतलब 10 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर भी वो किए और वो माने नहीं। रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई, रुक जाओ, थम जाओ, जो डिजर्विंग है वो डिजर्विंग को उनका मौका दो, वो उन्हें मिलना चाहिए। आप यूज कर चुके, अब क्या करोगे 10 बार क्वालिफाई करके? आपके पास कैलिबर है, आपने शो कर दिया कि आपके पास टैलेंट है, अब उनको भी मौका दो ना। अब विराट कोहली हमेशा ही कहेगा मैं कैप्टन बना रहूंगा पूरी जिंदगी भर, तो दूसरा कैप्टन कैसे बनेगा? अब हर बार जो है सचिन तेंदुलकर ही खेलता रहेगा तो दूसरा प्लेयर कैसे आएगा? हर किसी को आने दो, उसका एक एरा होता है, उसका एक टाइम होता है। बट कुछ लोग नहीं मान रहे, और जब ये नहीं मान रहे हैं तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बचता है? हम जो है डायरेक्ट NTA CSIR नेट का दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं। हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस चीज को समझे और इस प्रॉब्लम को समझे। और ये सिर्फ इसी एग्जामिनेशन में नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में नेशनल लेवल के, उन सभी की ये प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर देखिए, जो लोग एक बार बैंक पीओ क्लियर कर लेता है वो बार बार बैंक पीओ क्लियर करके क्या करेगा? एक बार SSC दे दिया तो बार बार SSC करके क्या करेगा? ऑल दो UPSC में भी यही होता है। एक बंदा जो IRS मिल जाता है, IAS के चक्कर में वो 3 बार IRS निकाल लेगा लेकिन IAS नहीं निकाल पाता, लेकिन 3 बार वो एक ऐसे IRS के बंदे की सीट जो है वो एक तरीके से गायब हो जा रही है। तो कुल मिला जुला के जो बात है कि NTA से हम लोग अपनी कैटेगरी के लिए एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप सभी लोग जो है एक मेल डाल सकते हैं NTA को, CSIR को, नॉट NTA, यू कैन मेल टू द CSIR2। आप दोनों को भी कर सकते हैं, उनके जो मेल आईडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस मेल में कोई ऐसा आप कोई फोर्सफुली कोई रॉन्ग कमेंट, कोई नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई एंग्री कमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है उनसे। और वो रिक्वेस्ट क्या है वही मैं बात करने के लिए इस वीडियो में आपके साथ जुड़ा हूँ। वो रिक्वेस्ट फ्रॉम लाइक बेसिकली जो मेल ड्राफ्ट में आप एक सैम्पल मेल जो है मैं यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बट आप अपनी साइड से जो है वो कर सकते हैं कि दैट जब मास में कोई चीज होती है तो उस चीज को सुना जाता है। आप जब मास में लोग ये करेंगे तो उनकी बात, उनकी वैल्यू जो है, उनकी जो इस बात को सुना जाएगा। आपको करना क्या है, NTA को मेल करना है और CSIR, NTA CSIR दोनों को मेल करना है कि सर और मैम व्हाट हूसोएवर, ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऑलरेडी CSIR क्वालिफाई कर चुके हैं उनको जो है हम एग्जाम देने से नहीं रोक रहे हैं। आप उनको एग्जाम देने दीजिए, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने दीजिए, बट एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सजेशन मेरा NTA की पूरी टीम को भी है, या जो भी डेवलपमेंट टीम है, वेबसाइट डेवलपमेंट टीम या CSIR टीम, आप सभी लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टली टू, आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन तक पहुंच सके, कि आप जब इतना वेबसाइट या इतना फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डेवलप कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में एक छोटा सा क्लॉज जो है वो डाल दें कि वेदर यू आर प्रीवियसली CSIR क्वालिफाइड और नॉट, GRF या LS क्या क्वालिफाइड है। आप जो GRF ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनको फिल्टर आउट कर दे, उनका नाम वो एग्जामिनेशन में बैठे जरूर बट रिजल्ट में उनका नाम नहीं आए। इससे क्या होगा कि जो एग्जाम दे के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है या अपने आप को चेक करना चाहता है वो आप अपने आप चेक कर ले, और जिससे कि जो सिलेक्शन हो वो सिर्फ न्यूली क्वालिफाइड GRF कैंडिडेट्स का, या आप जो है जो ऑलरेडी GRF क्वालिफाई कर चुका है उनका एक सेपरेट रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं कि ये लोग जो है ऑलरेडी क्वालिफाइड है फिर भी इन्होंने क्वालिफाई किया, बट इनको कोई फेलोशिप या इनका कोई कंसिडरेशन नहीं है जो कि फर्दर फेलोशिप में। इससे क्या होगा, नए बच्चों का रिक्रूटमेंट हो सकेगा। आप अगर आपके पास एक बार इस एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप एक करके देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो अगर 2000 बच्चे GRF क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें 100 से 200 ऐसे होंगे कम से कम, मैं बता रहा हूँ, जो प्रीवियसली GRF क्वालिफाइड होंगे। और इस चक्कर में इट्स नॉट अबाउट CSIR ओनली, ये हर एक एग्जाम की कहानी है। तो अगर ये चीज हम कर पाते हैं एज अ टीम, अगर NTA और CSIR आप लोग कर पाते हैं तो और लर्नर्स के लिए काफी, या जो स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और स्टूडेंट्स लोग आप लोगों के लिए ये कि आप लोग मेल कर सकते हैं इस क्वेरी के साथ
कि प्लीज आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसे चेंजेस करिए, जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें ये चेंज करिए कि वहां पे एक कॉलम, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू विद द कोड ये डाल सकते हैं कि वेदर जेआरएफ प्रीवियसली जेआरएफ क्वालिफाइड और नॉट, वो ईयर सेलेक्ट करवा सकते हैं या उनका रोल नंबर इनपुट डलवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ऑलरेडी हम उनको फिल्टर आउट कर देंगे, वो इस तरीके से एल्गोरिदम सेट कर देंगे कि वो जितने भी ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग दोबारा अपीयर हो रहे हैं उनको फिल्टर आउट कर दिया, वो रिजल्ट में उनका नाम इंक्लूड ही नहीं होगा, तो जितना भी क्वालिफाइड होगा बच्चा वो सारा बच्चा जो है पहली बार क्वालिफाई कर रहा होगा, जिससे कि हम कम से कम 100-200 ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट को भी जेआरएफ या एलएस प्रोवाइड कर पाएंगे जो एक्चुअली में डिजर्व कर रहा है, जिसकी सीट किसी एक मोर टैलेंटेड पर्सन ने नहीं ली। और इससे क्या होगा कि थोड़ा बच्चों में फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा और कुछ नए बच्चे क्वालिफाई भी करेंगे तो शायद इस फील्ड का कुछ उद्धार भी हो जाए। सो मैं यही एक अपील जो है पहले तो CSIR और NTA की टीम से भी करना चाहता हूँ और बाकी स्टूडेंट से भी करना चाहता हूँ कि आप ये बात डायरेक्टली मेरे वीडियो के थ्रू पहुँचाएं या तो आप मेल करके उनको अपील करें, क्योंकि सिर्फ एक इंसान के कहने से बात नहीं सुनी जाती, आप सब लोग अपील करेंगे तो शायद इस बात पे जो है तवज्जो रखा जाए और इस बात को सुना जाए और शायद ये चीज़ अगले एग्जामिनेशन फॉर्म में आपके साथ आ सके, और अगर आया तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच मेरी बात को समझने के लिए, और मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई और एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, आपको लगता है कि कोई और बेटर सोल्यूशन है, तो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट्स कह सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलरली चीज़ है इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करते हैं और अपने लिए बेटर बनाते हैं। सो लेट्स डू इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। माय आई टीच ऑल यूनिट्स फॉर द CSIR, आई ट्रांसफॉर्म 1000+ माइंड्स एंड आई हैव क्वालिफाइड मेनी इंटरेस्ट एग्जामिनेशंस। आई टीच CSIR ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, सो आई हैव लॉन्च्ड मेनी पर्टिकुलर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, सो यू कैन जॉइन मी ऑन एन अकेडमी। दिस इज माय प्रोफाइल एंड यू कैन सी देयर इज लाइक प्लस ऑप्शन, सो यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यू विल फाइंड ऑन द प्लस। Apart from plus, if you subscribe for Iconic, you will get personal coach, personalized doubt solving, preparatory study materials, SOP and interview preparations. Use my referral code VirenLife to get the 10% discount on plus or Iconic subscriptions. These are some batches where you can join on an academy or you can see individual classes, biochemistry, inheritance biology, methods in biology, and different courses are there so that you can join, you can crack CSIR license very easily and very smartly. Full length courses are there, new batches every week, dedicated doubt sessions, weekly quizzes, full mock test you will get on Unacademy subscriptions. So these are the offers. You can subscribe for 3 months, 6 months, 12 months or 24 months. This is the price structure. If you subscribe with a referral code Viren or Viren Live, you will get the 10% discount. And this price 11,600 will be reduced to the 10,545. For your 6 month subscriptions. So you can join in my special classes where interactive live classes are there. These are the free classes. You not need to pay any penny or any particular rupees for the classes. So you can join it freely. Poll the learners options are there. Raise your hand options and never miss classes. There is a notification for each and every class and lecture notes will also be provided. Join me on an academy. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Thank you so much.